हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म पठान का टीजर आने वाला है। देखो, अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन खबरों की माने तो पठान फिल्म का टीजर शाहरुख खान के जन्मदिन यानी कि 2 नवंबर को रिलीज होगा। जी हाँ, काफी ज्यादा चांसेस हैं कि 2 नवंबर को ही पठान फिल्म का टीजर रिलीज होगा, लेकिन उससे पहले यानी कि 25 अक्टूबर को भी पठान फिल्म से जुड़ी कोई बड़ी अपडेट आने वाली है। अब मुझे जहां तक लगता है 25 अक्टूबर को पठान फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज होगा। अगर पोस्टर 25 अक्टूबर को आता है तो 100% है कि फिल्म का टीजर शाहरुख खान के जन्मदिन पर ही रिलीज होगा। देखते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है। वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म भेड़िया का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया है। सच में भेड़िया फिल्म का ट्रेलर देखकर मजा आ गया। यहाँ इस ट्रेलर में कॉमेडी के साथ साथ एक इंटरेस्टिंग कहानी नजर आ रही है। वैसे फिल्म की जो कहानी है वो जुनून फिल्म से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, लेकिन जिस तरह से भेड़िया फिल्म के ट्रेलर को पेश किया गया है वो काफी अच्छा लग रहा है। खास करके सिनेमेटोग्राफी, VFX और CGI तो भाई काफी अच्छे लग रहे हैं। वो सीन जब वरुण भेड़िया में कन्वर्ट होता है वो सीन काफी जबरदस्त है। लोग भेड़िया के VFX CGI को आदि पुरुष के VFX CGI से कंपेयर कर रहे हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है कि भेड़िया का CGI और VFX काफी अच्छा लग रहा है। तो अब देखते हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। भेड़िया फिल्म 25 नवंबर को रिलीज होगी। मुझे पता नहीं है मैं हर रात क्या करता हूँ। मेरे बॉडी के अंदर भेड़िया घुस गया। भेड़िया ये साले कुत्ते ना मुझे फूफा जी कह के चढ़ाते। कल यानी कि 21 अक्टूबर को RRR फिल्म जापान में रिलीज होगी। जापान में RRR फिल्म को करीब 218 थिएटर में रिलीज किया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि RRR फिल्म को लेकर जापान में कितना क्रेज है। देखते हैं ये फिल्म जापानी बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। किस इंडियन फिल्म ने जापानी बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की है, तो उस फिल्म का नाम है मुथू। मुथू फिल्म ने जापानी बॉक्स ऑफिस पर करीब 25 करोड़ का कलेक्शन किया था और बाहुबली 2 दूसरे नंबर पर है। देखते हैं RRR फिल्म का कलेक्शन कितना होता है। ड्रीम गर्ल 2 की रिलीज डेट चेंज हो गई है। पहले ये फिल्म 29 जून 2023 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये फिल्म एक हफ्ते पहले यानी कि 23 जून 2023 में रिलीज होगी। विद्युत जामवाल की एक नई फिल्म अनाउंस की गई है जिसका नाम है क्रैक। क्रैक फिल्म को आदित्य दत्त डायरेक्ट करेंगे। आदित्य दत्त ने ही टेबल नंबर 21 और कमांडो 3 फिल्म को डायरेक्ट किया था। क्रैक एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसमें विद्युत जामवाल के साथ अर्जुन रामपाल और जैकलिन फर्नांडिस अहम भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई है और ये फिल्म 2023 में रिलीज होगी। आने वाले कुछ दिनों में विजय देवरकोंडा की एक नई फिल्म अनाउंस होगी जिसे गौतम तिन्नानूरी डायरेक्ट करेंगे। गौतम तिन्नानूरी ने ही जर्सी फिल्म को डायरेक्ट किया था। विजय अभी खुशी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं जो दिसंबर के महीने में रिलीज होगी। खुशी फिल्म के बाद विजय गौतम तिन्नानूरी के इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करेंगे। ये फिल्म भी 2023 में ही रिलीज होगी। एक और फिल्म की घोषणा की गई है और इस फिल्म का नाम है रिवाज। रिवाज फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के साथ आफताब शिवदसानी और मायरा सरीन अहम भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट हो गई है और ये फिल्म भी 2023 में ही रिलीज होगी। द इक्वलाइजर 3 की शूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। पिछली दोनों फिल्मों की तरह इस फिल्म को भी एंटोन फुकुआ ही डायरेक्ट करेंगे और डेंजल वॉशिंगटन फिल्म के लीड रोल में नजर आएंगे। शूटिंग स्टार्ट हो गई है और ये फिल्म भी 2023 में रिलीज होगी। द स्कूल फॉर गुड इन एविल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। नेटफ्लिक्स पर आप इस फिल्म को इंग्लिश के साथ साथ तमिल, तेलुगु और हिंदी में भी देख सकते हैं। मलयालम सुपरहिट फिल्म दृश्यम 2 अभी हिंदी डब में नहीं आई है, लेकिन इसका जो तेलुगु रिमेक वर्जन है दृश्यम 2 वो हिंदी डब में आने वाली है। जी हाँ, अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म दृश्यम 2 से पहले इसका जो तेलुगु रिमेक वर्जन है वो हिंदी डब में देखने को मिलेगा। दृश्यम 2 का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है 22 अक्टूबर को रात 8 बजे गोल्ड माइंस TV पर। देखते हैं इससे अजय देवगन की फिल्म पर क्या असर पड़ता है। 2022 की सुपरहिट फिल्मों में से एक ब्रह्मास्त्र की OTT रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। ब्रह्मास्त्र इस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली हिंदी फिल्म है जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीब 430 करोड़ का कलेक्शन किया था। तो अब ये फिल्म 4 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस और स्टार पर आने वाली है। आप में से किस किसने ब्रह्मास्त्र फिल्म देखी है और आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।